अस्सलाम वालेकुम। एक और शौक के साथ हाजिर हैं, और ये भी गार्डन के इलाके में। और ये आप जो देख रहे हैं, ये है मामू भांजा का लाडला। और वाकई कोई लाडला है, क्योंकि ये खुद बता रहा है मामू भांजा ने इसे बहुत मेहनत से और बहुत लगन से बहुत दिल से पाला है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, तो कितनी तारीफ की जाए। मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये, कितना प्यारा है। मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्लाह पाक नज़र बस से बचा है। और जिस भाई ने ये लिया है, वाकई वो भी शौक वाले बंदे हैं, और ये बता रहे कि भाई क्या शौक है उनका माशाल्लाह। और ये बछड़े भी उन्हीं के, मूसा कैटल फार्म से इन्होंने लिए हैं। आपको करीब से दिखाते हैं माशाल्लाह। दोनों बछड़े बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाओ, चेक करें आप माशाल्लाह। मूसा कैटल फार्म के ये बछड़े हैं, और ये माशाल्लाह इन्हीं की कुर्बानी है। मतलब जिनके ये दोनों बछड़े हैं और उन्हीं का दुम्बा भी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। शौक की बात है तो फिर शौक तो शौक वाले मिलेंगे। और सेटअप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सारे जानवर। और फिर बकरा ईद की रौनक यहाँ से बहाल हो जाती है। रात भर जागना, दोस्तों के साथ बैठना, सेटअप लगा के, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सब में ऐसे ही जो है शौक भरपूर बरकरार रखे माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।